वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ सिंपल क्विक इजी मेकअप कैसे करना है। जैसे आप नॉर्मली कहीं जा रहे हो तो आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर दिखे, डार्क स्पॉट्स हल्का फुल्का रिमूव हो जाए, बस इस टाइप का मेकअप बताने वाली हूँ। मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एकदम सिंपल मेकअप बताइए। तो सिंपल मेकअप में क्या करना होता है, प्राइमर तो आप हैवी मेकअप करो, सिंपल मेकअप करो बहुत ज़रूरी होता है। CTM भी ज़रूरी होता है। CTM क्या होता है उसके लिए वीडियो मैंने एक अलग से डाली हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। और मैं डेली सुबह 9:30 बजे लाइव आती हूँ, तो आप लोग वहाँ पे मुझे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन हो पार्लर से रिलेटेड, स्किन केयर, हेयर केयर, तो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बता देती हूँ आप लोग के जो भी आपका क्वेश्चन होता है उस हिसाब से। और एक और मेरा चैनल है जैसे उसका नाम है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं अपनी कटिंग, स्टिचिंग और ब्लॉगिंग वीडियोज़ डालते रहती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा मेकअप का CTM, जो कि अलग से वीडियो है, आप जाके चेक कर दीजिएगा। और फिर सेकेंड स्टेप होता है प्राइमर। प्राइमर अगर आपके पास नहीं है, लैक्मे का प्राइमर भी बहुत अच्छा है। प्राइमर लगभग लैक्मे, सेवन सीज, लॉरियल सबका बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पे प्राइमर अगर आपको नहीं लगाना है, चाहे आपके पास नहीं है, तो आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। मेकअप में आप लीव वाला, जो मतलब प्लांट वाला एलोवेरा जेल होता है ओरिजिनल, वो मत यूज कीजिएगा, क्योंकि वो कई स्किनों पर शूट नहीं करती है। तो मैंने इतना सा एलोवेरा जेल लिया, इसको ऐसे इस तरीके से हाथों फैला लिया और पूरा अपने फेस पे अप्लाई कर देंगे। प्राइमर का क्या काम होता है, प्राइमर आपकी स्किन और मेकअप के बीच में एक लेयर बना देती है, जिससे आपकी स्किन को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचता है। और आपका जो भी प्रोडक्ट होता है ना, वो प्राइमर लगाने की वजह से अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाता है। तो प्राइमर लगा के आपको इसको इस तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। और प्राइमर लगाने से एक और फ़ायदा है, जो आपके ओपन पोर्स होते हैं वो भी मेकअप में दिखते नहीं हैं। अगर आप प्राइमर नहीं लगाओगे तो आप डायरेक्ट फाउंडेशन या फिर कुछ अप्लाई करोगे तो आपके ओपन पोर्स में चले जाते हैं और वो बाद में बहुत गंदा दिखता है। तो इसलिए प्राइमर बहुत ही ज़रूरी है, मेकअप का बहुत ही मेन पार्ट है, चाहे आप कोई भी मेकअप कर रहे हो। तो मैंने इस तरीके से प्राइमर, मतलब प्राइमर की जगह एलोवेरा जेल लगा लिया है, आप भी लगा लीजिएगा। एलोवेरा जेल भी प्राइमर का ही काम करता है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगा लिया, इसको कम से कम टाइम देख के 1 से 2 मिनट तक के लिए छोड़ना है। उसके बाद से मैं यहाँ पे लैक्मे 9 to 5 का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है और आपकी ये SPF 11 भी है, अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप ये वाला फाउंडेशन अप्लाई करके जा सकते हो। और ये जैसे इसको लगाने के बाद से स्किन को अच्छी सी बेस मिल जाती है, और आप अगर कंसीलर नहीं भी लगाओगे तो ये भी डार्क स्पॉट्स को काफ़ी हद तक हाइड कर देता है। तो मुझे लैक्मे का प्राइमर, सॉरी फाउंडेशन बहुत ही अच्छा लगता है ये, और बहुत अच्छा वर्क भी करता है काफ़ी अच्छे से। और अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही मेकअप प्रोडक्ट लें। मेरा स्किन टोन काफ़ी ज़्यादा फेयर है, तो मैंने इस तरीके का शेड लिया हुआ है। अपनी स्किन टोन से आप एक शेड तक लाइट कलर ले सकते हो, नहीं तो आप अपनी स्किन टोन के मैचिंग ही आप कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, फाउंडेशन हो, कंसीलर हो, कॉम्पैक्ट पाउडर हो, सब कुछ अपनी स्किन से मैचिंग लेना चाहिए, तो आपका परफेक्ट मेकअप होता है अच्छे से। तो इस पर शेड नंबर नहीं लिखा हुआ है तो मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, बस ये कलर का है, ये मेरी स्किन से एक शेड तक लाइट है। अब इसको पूरे फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। सिंपल मेकअप कर रही हो तो ध्यान दीजिए कि आपको ज़्यादा कुछ भी प्रोडक्ट नहीं लगाना है, और दिन के टाइम पे आप जा रहे हो तो एकदम लाइट लाइट लगाइए। इस तरीके से डॉट डॉट करके मैंने लगा लिया है। अब जितना प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करते हो उतना ही अपने गर्दन पे भी अप्लाई कीजिए, नहीं तो आपकी फेस और गर्दन का कलर अलग अलग दिखने लग जाएगा। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। मैं अपने हाथों का ही यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हो। तो देख रहे हो ये वाला कलर मेरी स्किन टोन से मैच होता हुआ है। तो आप देख सकते हो इसको लगाने के बाद से ज़रूरत नहीं है कि हम, अगर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स है तब तक को कंसीलर की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप ऐसे भी नॉर्मली पाउडर लगा के और रख सकते हो। तो मेरी स्किन पे उतना ज़्यादा डार्क स्पॉट्स नहीं है, तो मैं उतना ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी कुछ, बस ये मैंने फाउंडेशन लगा लिया। अब सिंपली कॉम्पैक्ट पाउडर, सिंपल मेकअप में आप ज़्यादा आई मेकअप वगैरह ना करें, एकदम सिंपल सा ही लुक देना है। तो ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो चुका है।
मेकअप में मेन पार्ट है ब्लेंडिंग, बहुत ही ज़रूरी होती है, तो आप ब्लेंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये मेरा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब इसके बाद से मैं लैक्मे 925 का पाउडर यूज़ करूँगी। इसमें इस तरीके का स्पंज दिया होता है, आप चाहो तो ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो। लैक्मे 925 का है ये, बहुत ही अच्छा है। लैक्मे के प्रोडक्ट लगभग सारे ही बहुत अच्छे हैं और इसका मेकअप भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, लाइनर भी बहुत अच्छा है इसका। तो इस तरीके से मैंने पाउडर लगा लिया यहाँ पे। मैं बिल्कुल भी वीडियो को कट नहीं कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। एक और मेकअप का मेन पार्ट होता है जो कि मैं आपको अभी बता दूंगी। तो ये मैंने पाउडर इस तरीके से अच्छे से लगा लिया है। इसके बाद मैं सिंपली आईब्रो पेंसिल के बाद से लाइनर, और मेरा मेकअप लगभग कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट स्टेप क्या है वो देख जाने के लिए वीडियो देखते होंगे। तो आईब्रो फिल करने के लिए मैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर का आई शेडो लूँगी और अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। ओके, इससे बहुत ही नेचुरल सा लुक आता है, लगता नहीं है बिल्कुल भी कि आपने कुछ लगाया हुआ आईब्रो को, लगता है कि ओरिजिनल है आपका। तो मुझे आई शेडो पैलेट से आईब्रो फिल करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो देख सकते हो कितना नेचुरल सा लुक आ जाता है इसको। मेरी आईब्रो की ग्रोथ भी हो गई है बहुत, तो बहुत जल्दी मैं अपना आईब्रो भी शेप करने वाली हूँ, तो उसका भी वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ये मैंने दोनों आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लिया है। तो मेकअप फिक्सर अप्लाई मैंने कर लिया। मेकअप फिक्सर को कभी भी बहुत ज़्यादा पास से नहीं अप्लाई करना। मेकअप फिक्सर अप्लाई करने के लिए आप दूर से इस तरीके से मेकअप फिक्सर को अप्लाई कर लीजिए। मेकअप फिक्सर पास से अप्लाई करोगे तो आपकी मेकअप जैसे बहुत ज़्यादा निकल सकती है, तो दूर से अप्लाई करोगे तो अच्छे से स्किन पूरे स्किन पे इक्वल मतलब बराबर क्वांटिटी में मेकअप फिक्सर अप्लाई होगा। और आपका मेकअप फिक्सर का मेन काम क्या होता है, जो आपकी स्किन में जो भी प्रोडक्ट आपने अप्लाई की है वो ज़्यादा दिख रहे हैं तो आप मेकअप फिक्सर अप्लाई करते हो ना, तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और स्किन में मैच हो जाता है। तो मेकअप फिक्सर बहुत ज़रूरी है और आपके मेकअप को फिक्स कर देता है, और जितना लंबा टाइम तक आप चाहो उतने टाइम तक आपका मेकअप टिका रहता है। तो मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा अप्लाई कर दिया है। अब मैं लैक्मे 925 का लाइनर अप्लाई करूँगी। ये वाला लाइनर है ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपका लाइनर बहुत सूख जा रहा है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाना है, डालना है लाइनर के अंदर और उसको धूप में 5 मिनट के लिए रख दीजिए, आपका लाइनर पहले जैसे हो जाएगा। ओके, तो मैं लाइनर अप्लाई करके और लिपस्टिक अप्लाई करके आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये मैंने लाइनर भी अप्लाई कर लिया है। लो वाटर लाइन पे हाफ आईज तक मैं लाइनर अप्लाई करूँगी, फुल आईज में नहीं। हाफ आईज तक अप्लाई करने से क्या होता है कि आपकी आईज बड़ी दिखती है और ब्यूटीफुल सा लुक आ जाता है। तो ये मैंने लाइनर भी लगा लिया। अब मैं लिपस्टिक यहाँ पे लगाऊंगी एक सेकेंड।
तो ये मेरा मिडिल लिपस्टिक है और ये बहुत ही अच्छा फेड है, ऑरेंज फेड है, इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। तो ये कलर मेरे को लाइट कलर ही चाहिए था तो मैंने ये अप्लाई कर लिया है। अब नॉर्मली आप अपनी बिंदी लगा लो और अनमेरिड हो तो आप ऐसे रहो। तो ये मेरा कैसा लगा आपको सिंपल लुक मेकअप, ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप अच्छा लगा होगा, मैं बिंदी लगा लेती हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो और भी मैं अच्छी अच्छी लेकर आ पाऊँ आप लोगों के लिए। तो ये एकदम सिंपल नॉर्मल लुक है मेकअप और बहुत ही इजी है और कोई भी कर सकता है, इतने प्रोडक्ट तो सबके पास होते हैं। तो थैंक्स टू ऑल, लव यू बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, और भी कोई रिक्वेस्ट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो ये है मेरा फाइनल लुक, बाय।